मधु कांकलिया द्वारा लिखी साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत में आप सभी का स्वागत है। सैर कर दुनिया के गालिब जिंदगानी फिर कहां, सैर कर दुनिया के गालिब जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहां। अर्थात जीवन का आनंद आगे चलते रहना है। मधु कांकरिया ने सिक्किम की यात्रा में, नेपाल की यात्रा में इस यात्रा वृतांत का वर्णन किया है कि यात्रा में कितना अनुभव प्रकृति का हमें मिलता है। आइए हम लोग चलते हैं। साना साना हाथ जोड़ी, इसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना, साना साना हाथ जोड़ी। ये मधु कांकरिया है, यात्रा करते हुए बस में बैठकर और बाहर के दृश्य का लुत्फ उठा रही है और उसको अपने लेखनी से लेखनी बद्ध किया है। आइए। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे, यानी उस मनोहर और विहंगम दृश्य का जो नजारा मधु कांकरिया ने देखा था, उस नजारे को लेखनीबद्ध किया है। क्या था वह? मधु कांकरिया का प्रश्न है। वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था, अर्थात मधु कांकरिया ने गैंगटॉक शहर को देखते हुए इस प्रकार का प्रश्न किया है। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर, इतिहास अर्थात पिछला बीता हुआ और वर्तमान के संधि स्थल पर अर्थात मिलन स्थल, ऐसी जगह जहां दोनों मिल रहे हो, खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था। मेहनत कश बादशाहों का शहर का मतलब जहां के लोग मेहनती हों, जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। जाहिर सी बात है, जो अपने दमखम के साथ अपने काम को अंजाम देता है वही बुलंदियां पर इतिहास रचता है। ऐसे लोग इतिहास रचते नहीं, इतिहास रटते नहीं, बल्कि इतिहास को रचने का काम करते हैं, जो मेहनत कस और ईमानदार होते हैं। उनका सुबह शाम रात तीनों पहर अच्छा बीतता है और वह रहस्यमय सितारी सितारों भरी रात मुझमें सम्मोहन जगा रही थी, अर्थात मोहित कर रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ अस्थगित था। अस्थगित का मतलब गायब हो गया था, अर्थात मैं ऐसे क्षण को देखकर अपने आप को भूल चुकी थी कि मैं क्या हूं। अर्थहीन था, अर्थात मेरा वहां कोई मतलब नहीं था। उस दृश्य को देखकर मैं उस दृश्य में समा जाना चाह रही थी। मैं और मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था, अर्थात कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उस दृश्य को देखने के बाद मैं खुद को भूल चुकी थी और थी अतीन्द्रियता का मतलब होता है बिल्कुल गहराई, इंद्रियों से परे, अर्थात जो हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं उससे कहीं अलग। डूबी रोशनी की वह जादुई झालर धीरे धीरे एक उजास का मतलब होता है प्रकाश या उजाला, उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, अर्थात होठों से कुछ मेरी प्रार्थना आने लगे। साना साना हाथ जोड़ी, अर्थात छोटे छोटे हाथों को जोड़कर मैं प्रार्थना करने लगी। कैसी प्रार्थना? गर्दहू प्रार्थना, अर्थात गंभीर प्रार्थना। हमरो जीवन तिम्रो कौशली, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। विद्यार्थियों, अगर ऐसा आप डेली करते हो तो वास्तव में आप एक दिन अच्छा बनने लगते हैं। आज सुबह की प्रार्थना के बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। मधु कांकरिया बता रही हैं, ये जो मैं प्रार्थना की हूं वह एक
नेपाली युवती से मैं सीखी। सुबह हमें युम थांग के लिए निकलना पड़ा था। युम थांग क्या है? युम थांग यह सिक्किम राज्य का उत्तरी भाग है, जिसको हम जहां पे पर्वत, नदियां, घाटियां और चोटियां देखने को मिलती हैं, निकल पड़ना था। पर आंखें खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी, अर्थात जहां से नजारा देखा जा सकता है। यहां के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। अभी कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा सिक्किम के उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा पर है। यह विश्व की तीसरी ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट अर्थात दरवाजा ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। ठाकुर जी मतलब एक भगवान की वहां मूर्ति। कंचनजंगा न दिखती थी पर सामने ही रकम रकम के रंग, रकम रकम माने होता है तरह तरह, तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई। बहरहाल अर्थात फिलहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युम थांग था। 149 किलोमीटर की दूरी पर युम थांग था यह जगह। युम थांग यानी घाटियां, वैली जिसे बोलते हैं। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों यानी गहन अर्थात पास पास घाटियों और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ये कौन बोला? ड्राइवर बोला। ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नारगे यानी मधु कांकरिया बोल रहे कि वह जितेंद्र नारगे ड्राइवर कम गाइड का काम कर रहा था, मुझे बता रहा था क्या वहां बर्फ मिलेगी। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ, मतलब यह मधु कांकरिया पूछ रही है उस जितेंद्र नारगे से। जितेंद्र नारगे कहता चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन, जगह जगह गदराए पाइन का मतलब वृक्ष, ऐसा वृक्ष जो तेल से भरे हों। धूपी के खूबसूरत नुकीले पीलों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित पताकाएं फहरा रही थी। किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नारगे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है अर्थात बुद्ध को लोग मानने वाले हैं। जब भी मेरे मित्रों बुद्ध और महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध जैसे लोग और महावीर जैसे लोग और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों को इस दुनिया ने सुनने नहीं दिया, अगर महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे लोगों को इस दुनिया ने सुनने दिया होता और सुना होता तो शायद आज ये हिंदुस्तान और विश्व कुछ और होता। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है अर्थात बुद्ध को मानने वाले की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं, सफेद पताकाएं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं पर वे रंगीन होती हैं, लेकिन जब कोई मर जाता है तो सफेद पताकाएं लगाई जाती हैं। नारगे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। दलाई लामा का मतलब होता है ज्ञान का महासागर, जिसे तीन चीन रहने नहीं देता है। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकुले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा इस जगह का नाम है कवी लोन स्टॉक। इस जगह का नाम क्या है? कवी लोन स्टॉक। यहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म
की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीख चीस के बमसन ने लेपचाओं के सुमेन से कुंज तेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा इतिहास है जिस पर हस्ताक्षर हुआ था, इनके किनके बीच उसी को बता रहा है। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ अर्थात अच्छी दीर्घ झगड़ों के बाद अर्थात लंबी झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत हुई थी इस स्थल पर। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नारगे कहने लगा। मधु कांकरिया पूछती है, यह क्या है, यह कौन सा चक्र है? नारगे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धूल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं अर्थात कॉन्सेप्ट और कल्पनाएं एक जैसी है। अवधारणा का मतलब होता है सोच, विचार। तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय